अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अल सादिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है। आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जिंसी लज्जत हासिल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि समटाइम ये होता है कि उनकी जो ख़वातीन होती हैं वो जिंसी लज्जत हासिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, जिसकी वजह से मर्द जो हैं वो जिंसी लज्जत हासिल करने के मतलब उनको जिंसी लज्जत हासिल करने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए दोनों की टाइमिंग मैच नहीं होती, जिसकी वजह से जो मर्द हजरात हैं वो जिंसी लज्जत हासिल कर लेते हैं और ख़वातीन जो हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में हम जो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको रेयर एंट्री भी कहेंगे। रेयर एंट्री मींस के कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मुबाशरत जो है वो दूसरे तरीके से करते हैं, जिसको हम आम तौर पर नॉर्मल जो आजकल के यंगस्टर्स हैं नॉर्मल हैं वो डॉगी स्टाइल कहते हैं। इससे ये होता है कि आपको एक दूसरे के साथ फोर प्ले करने का टाइम भी मिल जाता है, एक दूसरे के साथ आप जिंसी लज्जत भी हासिल कर लेते हैं और एक दूसरे के सेंसिटिव पार्ट्स जो हैं उसको इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। इस वजह से इसको रेयर एंट्री कहा गया है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर आप इस तरह से जिंसी लज्जत हासिल करते हैं तो ख्वातीन को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए जिंसी लज्जत हासिल करने का। इस तरह मर्द हजरात जो हैं वो उनके टाइम को मैच कर जाते हैं, ख्वातीन की टाइमिंग को मैच कर जाते हैं। इस तरह दोनों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर फिर भी किसी को किसी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रजू करें, उनको अपनी सारी सिचुएशन बताएं, देन उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन या जो भी वो आपको ओपिनियंस देती हैं उन पर अमल करें। रेयर एंट्री में हमेशा जो फोर प्ले होता है वो बैक से होता है और उससे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनकी रसाई आपके सेंसिटिव पार्ट तक इजीली हो जाती है, लाइक दैट हिप्स हो गई, आपकी चेस्ट हो गई, आपकी बैली हो गई, जिससे ख्वातीन ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ हो जाती हैं, जिससे ख्वातीन ज़्यादा जिंसी लज्जत हासिल करती हैं और जिंसी लज्जत की जो टाइमिंग उनकी होती है वो जल्दी उस तक पहुँच जाती है, जिससे मर्द हजरात अपनी टाइमिंग के साथ उनको मैच कर लेते हैं। इसलिए इसको रेयर एंट्री भी कहा गया है और इसलिए इसको आप जो जो हजरात अपनी ख्वातीन की टाइमिंग की वजह से परेशान हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे के साथ अपनी टाइमिंग मैच कर सकें और अज़दवाजी लम्हात हैं जो आपके उन लम्हात को हैप्पीली एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर किसी मर्द हजरात को प्रॉब्लम है कि वो जिंसी लज्जत हासिल करने में नाकाम रहता है या बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या बहुत ही जल्दी मतलब उनका उज़्व ख़ास है वो उसकी सख्ती ख़त्म हो जाती है, तो वो अल सादिया तिब्बी फाउंडेशन की मजूने उकाब इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला उनकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।